दोस्तों, क्या आप भी किसी मिलियनेयर की तरह रहना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि जब आपकी मर्जी हो तब तो आप काम करें, जहां मर्जी हो वहां रहें और जो मनाए वो करें, और ये सब करने के लिए आपको सारी लाइफ काम करने की भी जरूरत नहीं है, और ये शर्त भी नहीं है कि आपके बैंक अकाउंट में मिलियंस पड़े हों। आपको तो बस न्यू रिच को ज्वाइन करना है। इस ऑडियो बुक में आप सीखेंगे कि ये न्यू रिच आखिर है कौन। इसमें आपको लाइफ स्टाइल डिजाइन के बारे में भी पता चलेगा, द 80-20 प्रिंसिपल और पार्किंस लॉ के बारे में भी हम इस ऑडियो बुक में जानेंगे। किसी मिलियनेयर की तरह रहने का मतलब है अपनी लाइफ अपनी शर्तों पर जीना, और टाइम, मनी और लोकेशन की फ्रीडम। और इस ऑडियो बुक से आप सीखेंगे कि ये सब कैसे अचीव किया जाए। द 4-hour work week आपको एक ऐसी डील की अपॉर्चुनिटी देता है जो लाइफ टाइम के लिए है। एक इफेक्टिव एंटरप्रेन्योर या एम्प्लॉय होने के साथ साथ आप पूरा वर्ल्ड घूम सकते हैं, और आप ये भी देखेंगे कि कैसे मैक्सिमम अचीव करने के लिए आपको मिनिमम एफर्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं न्यू रिच एंड लाइफ स्टाइल डिजाइन से। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसा होता अगर आपकी एक ऐसी स्टेबल इनकम होती जिसके लिए आपको ऑफिस में 8 घंटे स्टे नहीं करना पड़ता? क्या होता अगर किसी क्यूबिकल में अपनी लाइफ के बेस्ट इयर्स गुजारने के बदले आपको कोई दूसरा अल्टरनेटिव मिलता? अगर आप कोई हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय हैं या कोई एंटरप्रेन्योर, तो ये बुक आपके लिए ही लिखी गई है। आपको अपने हार्ड वर्क का रिजल्ट एंजॉय करने के लिए रिटायरमेंट का वेट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पैसे कमाने और वर्किंग होने के साथ भी एक बेस्ट लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। अपनी लाइफ में एक चॉइस सेलेक्ट करने से पहले तक ऑथर भी एक 9-to-5 एम्प्लॉई थे, मगर वो अपनी लाइफ को यूं ही नहीं गुजारना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि वो सालों इंतजार के बाद एक ऐसे ओल्ड मैन बने जो अपने रिटायरमेंट का पैसा भी एंजॉय ना कर सके, और ऑथर हमारे लिए भी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। इसलिए तो वो आपको न्यू रिच ज्वाइन करने का इनविटेशन दे रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले ही डिस्कस किया था कि ये न्यू रिच लोग कौन हैं, तो इसका आंसर है वो जिन्होंने सक्सेसफुल बनने के लिए कन्वेंशनल तरीका अप्लाई नहीं किया। सालों से ये माना जाता रहा है कि अगर सक्सेस पानी है तो खूब मेहनत से स्टडी करो, कॉलेज से डिग्री लो और 8 घंटे ऑफिस की जॉब करो, और इसी को लोग रियल वर्ल्ड बोलते हैं, जो कि ज्यादातर लोगों के लिए गुड फ्यूचर है। लेकिन आप चाहे तो इस रियलिटी को बेंड कर सकते हैं। न्यू रिच वो हैं जो अपने रूल्स बनाकर अपने स्टैंडर्ड के साथ जीते हैं। ऑथर और बाकी कईयों ने प्रूव कर दिखाया है कि आप चाहें तो कोई प्रोडक्टिव बिजनेसमैन या एम्प्लॉय होते हुए भी एक लग्जूरियस लाइफ के मजे ले सकते हैं। आप दुनिया जहान घूमते हुए, अपने शौक पूरे करते हुए अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। फिर चाहे आप मिलियनेयर हो या फिर नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको सिर्फ अपनी मोबिलिटी और टाइम मैक्सिमाइज करना है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि आपकी लाइफ हमेशा हार्ड ही हो। इन न्यू रिच लोगों ने एक नए लाइफ स्टाइल डिजाइन को अपनाया है। एक बार आप जरा सोचो, जितने घंटे मेहनत आप अभी करते हैं उससे आधे घंटे मेहनत करके भी आपको डबल मनी मिले, तो सोचो अगर आपको लाइफ एंजॉय करने के लिए रिटायरमेंट का वेट ना करना पड़े, तो आपके पास ऐसी चॉइस हो कि आप सिर्फ काम करने के लिए काम ना करें, आप काम के साथ फन भी कर सकें। डेल बेग स्मिथ सिर्फ 21 इयर्स का है और वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और प्रोफेशनल एथलीट भी है। उसने 2006 के विंटर ओलंपिक्स फॉर स्की गोल्ड में गोल्ड मेडल जीता था। डेल ने स्की में एक परफेक्ट बैक फ्लिप लिया था और पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इतनी छोटी सी एज में उसके पास एक ब्लैक लैम्बोर्गिनी है। डेल ओरिजिनली कनाडा का है, जहां उसने अपने बड़े भाई के साथ मिलकर
एक ऑनलाइन आईटी कंपनी खोल रखी है। डेल जब 13 साल का था और उसका भाई 15 साल का था, तो उन्होंने ओलंपिक्स में जाने का ड्रीम पूरा करने के लिए एक आईटी फर्म क्रिएट की और सिर्फ 2 साल बाद ही दोनों भाइयों का बिजनेस वेंचर इंडस्ट्री का थर्ड मोस्ट सक्सेसफुल वेंचर बन गया था। जब डेल के टीममेट्स जी जान से ट्रेनिंग में लगे होते हैं, वो उस टाइम अपने बिजनेस को देता है। एक बार डेल अपने जैपनीज क्लाइंट्स के साथ चाय पीने के लिए टोक्यो तक चला गया था। हालांकि उसके कोच को लगता है कि उसे ट्रेनिंग में और अटेंशन देनी चाहिए, लेकिन डेल अपना बिजनेस और ट्रेनिंग दोनों को मैनेज करते हुए एक्सीलेंट इसकी परफॉर्मेंस देता रहा है। डेल अपने ओलंपिक्स ड्रीम और बिजनेस के बीच फ्रीली मूव करता है। उसे दोनों में से किसी एक को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ये 2002 की बात थी जब डेल और उसके बड़े भाई ने ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट करने के बारे में सोचा, जो कि इसकी के लिए वर्ल्ड का सबसे बेस्ट पैलेस है। ऑस्ट्रेलियन टीम छोटी और ज्यादा फ्लेक्सिबल भी है, और इसके अलावा उन्हें एक लीजेंडरी कोच भी मिल रहा था। और 3 साल के अंदर ही डेल को ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप मिल गई। ये भी एक लक की ही बात थी कि उसे अपने परफॉर्मर टीममेट्स के साथ कंपीट करने का चांस मिला। डेल ने अपना हर गेम जीता और उसे ऑस्ट्रेलिया का थर्ड विंटर गोल्ड मेडल भी मिला। तो आप भी ये टाल मटोल की आदत छोड़िए, काम की खातिर काम ना करें, वरना बाद में पता चलेगा कि आपने अपनी लाइफ के 30-50 इयर्स यूं ही ऑफिस की डेस्क में बैठकर गुजार दिए। लाइफस्टाइल डिजाइन आपको ऐसा ऑप्शन देता है जिससे आप लाइफ में क्या करना है, कहां करना है और कब करना है और किसके साथ करना है, ये सारी बातें कंट्रोल कर सकते हैं। ऑस्कर वाइल्ड ने एक बार कहा था, हर वो चीज जो पॉपुलर है रॉन्ग है। न्यू रिच बाकी लोगों से बड़े डिफरेंट टर्म्स में रहते हैं। कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वे अपने हाथों पे चलते हैं या पैंट के बाहर अंडरवियर पहनते हैं। न्यू रिच अपने रूल्स खुद डिफाइन करते हैं। यहाँ 5 बेसिक रूल्स हैं जो आप भी फॉलो कर सकते हैं। रूल नंबर 1 है, रिटायरमेंट इज अ गोल इज फ्लड। इसका मतलब ये है कि रिटायरमेंट का गोल रखना ही गलत है। सब लोग रिटायरमेंट पर इतना डिपेंड क्यों रहते हैं? अगर कोई ऐसा करता है तो इसका सीधा मतलब ये है कि उसने जिस तरीके से अपने लाइफ के मोस्ट फिजिकली फिट इयर्स गुजारे, उससे वो खुश नहीं है। इसके अलावा जब तक आप रिटायर होंगे, जैसे मान लो आज से 30 साल बाद, तब महंगाई इतनी बढ़ चुकी होगी कि आपकी लाइफ सेविंग की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होगी। और क्योंकि आप सारी लाइफ हार्ड वर्क करते रहे हो, आपको काम की इतनी आदत हो चुकी होगी कि रिटायर होने के 1 हफ्ते बाद ही आप बोर होने लगोगे। रूल नंबर 2 है, सरवाइव करने के लिए एक्टिविटी के साथ रेस्ट भी जरूरी है। क्या आप 30 की एज में डोनाल्ड ट्रंप के जैसे ओल्ड दिखना चाहते हैं? हर रोज आप 8 घंटे काम करते हैं तो जाहिर है आप बूढ़े भी जल्दी हो जाएंगे। एक न्यू रिच पर्सन बनकर आप मिनी रिटायरमेंट चूज कर सकते हैं। आप जब जरूरत पड़े तब काम करें, वरना फिर आराम करें। 50 साल बाद रिटायर होने के बजाय आप अपने प्रेजेंट टाइम में घूम फिर सकते हैं या फिर कोई हॉबी या शौक पूरा कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ प्रोडक्टिव बनाने के साथ साथ इंजॉय भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ऑथर अपना एक एम रखते हैं कि वो 1 मंथ एक अलग कंट्री में गुजारेंगे। अगर ये नहीं हुआ तो टैंगो या फिर किकबॉक्सिंग करेंगे। टीम हर 2 मंथ काम करने के बाद एक मिनी रिटायरमेंट लेते हैं। थर्ड रूल है, क्या ये लेजीनेस है? बिल्कुल नहीं। द थर्ड न्यू रिच रूल्स है, लेस इज नॉट लेजीनेस। जब आप लाइफस्टाइल डिजाइन अप्लाई करते हैं तो मीनिंग लेस वर्क से आपको छुटकारा मिल जाएगा, ताकि आप अपनी मोस्ट इंपोर्टेंट चीजों पर फोकस कर पाएं। न्यू रिच
ऑफिस में कम टाइम स्पेंड करने के बावजूद सबसे इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि बिजी होने का मतलब जरूरी नहीं कि काम भी प्रोडक्टिव ही हो। रूल नंबर 4 है, आस्क फॉर फॉरगिवनेस नॉट परमिशन। लोग हमेशा ही आपको पीछे धकेलने की फिराक में लगे रहेंगे, चाहे आपका पार्टनर हो, आपके पेरेंट्स या फिर आपका बॉस। बेशक उन्हें बुरा लगे तो लगे, लेकिन अपनी सक्सेस के रास्ते में किसी को भी ना आने दें। आपकी बातों से उनको कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है। आगे बढ़ने के लिए आपको किसी की भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। रूल नंबर 5 है, एब्सोल्यूट इनकम से ज्यादा रिलेटिव इनकम इम्पोर्टेंट है। दो टाइप की इनकम होती है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। अब एब्सोल्यूट इनकम बस आपकी सैलरी होती है, जबकि रिलेटिव इनकम में आपकी सैलरी और आपका वर्किंग अमाउंट ऑफ टाइम दोनों कंसीडर होते हैं। अब जैसे जेन और जॉन को ही ले लो, जेन की एनुअल इनकम $100,000 है, जबकि जॉन की बस $50,000 है। और अगर हम सिर्फ मनी कंसीडर करें तो जेन 2 times रिच है, लेकिन हम यहाँ एक बिगर पिक्चर मिस कर रहे हैं। जेन एक्चुअल में वीकली 80 आवर्स काम करती है, जो कि इक्वल है $25 के, जबकि जॉन वीकली सिर्फ 10 घंटे ही काम करता है और उसका 1 hour $100 के बराबर है। तो एक्चुअल में कौन ज्यादा रिच है, जेन या फिर जॉन? डोंट फॉलो अ मॉडल दैट इज नॉट वर्क। हम कई सालों से रियल वर्ल्ड और श्योर वे टू सक्सेस के तरीकों के बारे में सुनते आ रहे हैं, लेकिन आप ही सोचो, अगर कोई रेसिपी अच्छे रिजल्ट नहीं ला रही तो क्या आप फिर भी उसको फॉलो करेंगे? कंक्यूरिंग फियर, अपने डर पर काबू पाना। आपको पता है कि न्यू रिच के बेनिफिट्स क्या हैं, तो आप भी क्यों नहीं उनमें से एक बन जाते हैं? या आप डरते हैं, या फिर इतने सालों से जो लाइफ स्टाइल जी रहे हैं उसकी आदत पड़ गई है आपको? हैंस किलिंग सेंचुरी सिटी लॉस एंजलिस में से एक कॉरपोरेट लॉयर थे, जो 5 सालों से प्रैक्टिस कर रहे थे। इन 5 सालों में उन्हें हर रोज मॉर्निंग में सेम टाइम पे उठने की हैबिट थी, और हैंस को यही लाइफ स्टाइल आगे 40 या 50 सालों तक और जीनी थी। एक बार ऐसा हुआ कि एक प्रोजेक्ट फिनिश करने के चक्कर में हैंस अपने ऑफिस डेस्क के नीचे ही सो गए और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भी उसी पर काम करते रहे। ये प्रोजेक्ट काफी मुश्किल था और हैंस किलिंग ने कसम खाई कि अगर उन्हें ऐसे 2 प्रोजेक्ट करने पड़े तो वो जॉब छोड़ देंगे। उसके बाद हैंस ने कोपाकाबना में एक लाइफ चेंजिंग वीकेंड स्पेंड किया। उन्होंने ग्राउंड से 30,000 फीट की ऊंचाई पर पैराग्लाइडिंग की, और जब वो नीचे उतर रहे थे उन्हें रियलाइज हुआ कि हम लाइफ में जो भी रिस्क लेते हैं वो बस हमें शुरू शुरू में ही डराता है। और यही वो टाइम था जब उन्होंने डिसाइड किया कि बस अब काफी हो गया। अगली सुबह हैंस जब अपने लॉ ऑफिस पहुंचे और आते ही अपना रिजाइन लेटर दे दिया, हैंस ने वो सब बातें सुनी जो उनके कलीग्स ने उनसे कही, जैसे कि वो एक रॉन्ग डिसीजन ले रहे हैं, अपनी लाइफ बर्बाद कर लेंगे वगैरह वगैरह। लोग कहने लगे कि जब तुम्हारे पास इतना सब कुछ है तो तुम लाइफ में और क्या ढूंढ रहे हो, और क्या चाहिए तुम्हें? लेकिन इसका जवाब तो हैंस के पास भी नहीं था कि उन्हें क्या चाहिए। उन्हें तो बस इतना पता था कि कॉरपोरेट लॉयर की उनकी ये जॉब अब उनसे सही नहीं जाती। उन्हें अब कलीग्स के साथ एक और डिनर अटेंड नहीं करना था जो अपनी लेटेस्ट गाड़ियों की बात करें, क्योंकि हैंस को अब पीस ऑफ माइंड चाहिए था, जिसके लिए वो एक अरसे से तरस रहे थे। 1 साल बाद भी हैंस को कई सारी लॉ फर्म से जॉब ऑफर मिलते रहे, लेकिन अब वो अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर खोल चुके थे। हैंस ने
एक लीडिंग सर्फ एडवेंचर का बिजनेस शुरू कर दिया था जिसका नाम था नेक्सस सर्फ और वो ब्राजील की एक खूबसूरत जगह फ्लोरिनिया पोलिस सोर्स में रिलोकेट हो गए थे। वहां हैंस को एक वंडरफुल लड़की टियाना मिली जो उनकी गर्लफ्रेंड बनी। अब वो क्लाइंट्स को अटेंड नहीं करते थे बल्कि पाम ट्रीज के नीचे एंजॉय करते थे। अब वो अपनी पुरानी ओवरवर्क्ड और अंडर जॉयड लाइफ से दूर जा चुके थे। जो रिस्क उन्होंने लिया वो उनकी लाइफ का मोस्ट अमेजिंग डिसीजन था। हालांकि जब उन्होंने अपनी लॉयर की जॉब छोड़ी तो उन्हें फ्यूचर का कुछ पता ही नहीं था, लेकिन हाँ उन्हें ये जरूर पता था कि ये डर उन्हें पैराडाइज तक ले जाएगा। हर रोज हैंस उन क्लाइंट्स के साथ होते हैं जो उन्हें अपने ओल्ड सेल्फ की याद दिलाते हैं। ज्यादातर इनमें से ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं जो अपनी स्ट्रेसफुल लाइफ से कुछ टाइम का ब्रेक लेकर यहाँ आते हैं। ये लोग अक्सर हैंस से कहते हैं, काश मैं वो कर पाता जो तुम करते हो, और हैंस हमेशा उन्हें बोलते हैं, यू कैन। मगर थ्रिलिंग सर्फ सेशन के बाद ये कस्टमर कहते हैं, आई वुड बट आई कांट रियली थ्रो इट ऑल अवे। मैं करूंगा लेकिन मैं वास्तव में इसे दूर नहीं कर सकता। और ये बात हैंस किलिंग से बेटर भला कौन जान सकता है। अगर आप उसकी पोजीशन में होते तो क्या आप भी यही करते जो हैंस ने किया? क्या आप अपनी लाइफ का इतना बड़ा स्टेप उठा पाते? क्या आप अनसर्टेनिटी और फेलियर ऑफ फियर फेस कर पाते? हम में से कई ऐसे होंगे जो अभी भी अपनी अनहैप्पी जॉब्स करते रहेंगे, क्योंकि हम हर हाल में अनसर्टेनिटी अवॉइड करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप जॉब क्विट करके अपना पैशन फॉलो करते हैं तो सोचो ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या होगा। पॉसिबल है कि आप बहुत फिक्र करते हो, जो भी हो आपके एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और वो परमानेंट नहीं होंगे। आप उन्हें चेंज कर सकते हैं और वर्स्ट केस सिनेरियो में आप रिकवरी के लिए पहले से ही अपने स्टेप्स प्लान कर सकते हैं। फिर आप देखना कि ये रिस्क लेना उतना भी बैड आइडिया नहीं था। अब आपको पता है न्यू रिच क्या होते हैं और आपको लाइफ स्टाइल डिजाइन का टेस्ट भी मिल गया है। कोई भी बड़ा स्टेप लेना रिस्की जरूर होता है मगर ये वर्थ करता है। न्यू रिच को समझने के बाद अब हम इसके 3 असेट्स की तरफ मूव करेंगे जो कि है फ्रीडम ऑफ टाइम, इनकम और लोकेशन। तो आप फ्रीडम ऑफ टाइम कैसे पा सकते हैं? आपको सिंपली ऐसे अनइम्पोर्टेंट चीजों को एलिमिनेट करना है जो आपका टाइम वेस्ट करें। आपकी इनकम पर आपका कितना फ्रीडम है? आपको इफेक्टिव सिस्टम ऑटोमेट करना है जो आपको रेवेन्यू देंगे और आपको इसे हमेशा चेक करने की जरूरत भी नहीं है। आप टास्क आउटसोर्स करते हैं जो बाकी लोग हैंडल कर लेंगे। आप लोगों को और प्रोसेस को माइक्रो मैनेजिंग करना स्टॉप कर देते हैं। आप लोकेशन की फ्रीडम कैसे पा सकते हैं? खुद को लिबरेट करके आप ऐसा कर सकते हैं और ऐसा आप अपना यूजुअल 9 to 5 एस्केप करके और मिनी रिटायरमेंट लेके कर सकते हैं। असेंशियली आप टेक द डील की मदद से न्यू रिच बनेंगे। इसमें डी का मीन्स है डेफिनेशन, ई का मीन्स है एलिमिनेशन, ए का मीन्स है ऑटोमेशन और एल फॉर लिबरेशन। नेक्स्ट चैप्टर में हम एलिमिनेशन और अपने प्रीशियस टाइम पर फ्रीडम पाने के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या आप टाइम मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं? क्या आप डेली मल्टीटास्किंग करते हैं? चलो अब बात करते हैं 80-20 प्रिंसिपल्स के बारे में और पार्किंसंस के लॉ के बारे में। 80-20 प्रिंसिपल्स क्या है? इसे इकोनॉमिस्ट विल फेड्रो पैरेटो ने प्रपोज्ड किया था, इसीलिए इसे पैरेटो का लॉ भी कहा जाता है। सिंपली बोले तो इसका मीनिंग है क
कि आपके टोटल आउटपुट का 80% आपके 20 टोटल इनपुट से आता है। अगर आपका कोई बिजनेस है तो आपको रियलाइज होगा कि आपका प्रॉफिट का 80% आपके 20% कस्टमर से आता है। ये वो लोग हैं जो हमेशा आपके ज्यादा प्रोडक्ट खरीदते हैं। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आप अपना 80% रिजल्ट अपने 20% ऑफिस आवर्स में से प्रोड्यूस करते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि रेगुलर 8 आवर्स के बजाय 2 आवर्स के ओवर टाइम से आपने ज्यादा रिजल्ट अकम्प्लिश किया हो। ऑथर ने अपना बिजनेस चलाने के लिए डेली 15 आवर्स तक काम किया है। वो हमेशा खुद को हेल्पलेस और ओवरलोड फील करते थे। वो डेली सनराइज से पहले उठकर यूके में अपने कस्टमर्स को कॉल करते और रेगुलर 9 to 5 आवर्स अपने यूएस वाले कस्टमर्स को फॉलो किया करते थे। उसके बाद न्यूजीलैंड और जापान मार्केट के लिए फोन कॉल्स में लग जाते थे, जो मिडनाइट तक चलती रहती थी। उस वक्त तक ऑथर को 80-20 प्रिंसिपल्स के बारे में पता चल चुका था। तब उनके 120 होलसेल्स कस्टमर्स थे, जिनमें से बस 5 ही रेगुलर ऑर्डर देते रहते थे, फिर चाहे टीम उन्हें फॉलो करें या फिर नहीं। और वो कस्टमर्स ऑर्डर भी हमेशा बल्क में देते थे। ऑथर ने डिसाइड किया कि वो बस इन्हीं कस्टमर्स के ऊपर फोकस करेंगे, ना कि उन सब के जो उन्हें हेडक के अलावा और कुछ नहीं देते। ऑथर के 2 ऐसे भी कस्टमर्स थे जो हमेशा ही उनके साथ आर्ग्यूमेंट किया करते थे, जिसकी वजह से पूरा दिन ऑथर का मूड खराब रहता था और अल्टीमेटली उन्होंने उन दोनों कस्टमर्स को इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो क्या उन्हें कोई लॉस हुआ? एक्चुअली ऑथर को उल्टा फायदा हुआ। उनके ज्यादातर कस्टमर्स हाई मेंटेनेंस वाले थे, उनके साथ काफी टाइम और एनर्जी खर्च होती थी, मगर उनसे उतना बड़ा ऑर्डर नहीं मिलता था। परेटो के लो के अकॉर्डिंग ऑथर अपने सिर्फ 5% कस्टमर से ही 95% प्रॉफिट कमाते थे। ज्यादा कस्टमर्स का मतलब ज्यादा प्रॉफिट हो ये जरूरी नहीं। इसलिए टीम ने बाकी के अनयूजुअल कस्टमर्स के बजाय सिर्फ उन्हीं टॉप 5 पर फोकस किया जो उन्हें लार्ज ऑर्डर देते थे। हाई मेंटेनेंस और लो लीड कस्टमर्स को अपनी लाइफ से एलिमिनेट करके वो काफी रिलैक्स फील कर रहे थे। और फिर सिर्फ 1 मंथ में ही उनका प्रॉफिट $30,000 से बढ़कर $60,000 हो गया और उन्हें ज्यादा स्पेंड करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अब उनके पास 5 डिपेंडेबल कस्टमर थे जो रेगुलरली बल्क ऑर्डर देते थे। अब उनके वीकली काम करने के घंटे 80 में से सिर्फ 15 रह गए थे। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि वो अब बेहद खुश और लिबरेटेड फील किया करते थे और अब उनका बिजनेस भी पहले से ज्यादा बढ़िया चल रहा था। पार्किंस लॉ, मिनी रिटायरमेंट एंड द मोबाइल लाइफ स्टाइल। पार्किंस के लॉ के हिसाब से लेस टाइम यील्ड मोर रिजल्ट्स, मतलब कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट मिलता है। अगर आप एक एम्प्लॉय है तो आपको अक्सर अपने टास्क फिनिश करने में 8 घंटे लगते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें से ज्यादातर टाइम आपका बेकार की इररिलेवेंट चीज करने में ही गुजरता है। दरअसल आपको टास्क पूरा करने के लिए 8 आवर्स चाहिए ही नहीं। आप ऑफिस में फाइल अर्ज करते घूमते रहते हैं, कलीग से बातें करते रहते हैं या फिर अपने ईमेल्स मैनेज करने में लगे रहते हैं, लेकिन आप इस सब से कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहे होते। टाइम इसलिए वेस्ट होता है क्योंकि हमारे पास इतना सारा टाइम अवेलेबल होता है, लेकिन ये सिर्फ आपका फॉल्ट नहीं है, ये तो 9 to 5 ऑफिस कल्चर की गलती है। लेकिन अगर आप एक एम्प्लॉय हो तो भी आप रिमोट वर्क अरेंज करके एक्सीलेंट रिजल्ट डिलीवर कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑफिस में 8 घंटे बैठने की जरूरत भी नहीं है। आप घर से या दूसरी कंट्री में बैठे बैठे भी अपने टास्क पूरे कर सकते हैं।
डेव कैमारिलो 7 सालों से भी ज्यादा टाइम से एचपी में टेक सपोर्ट थे। वो 22 कंट्रीज और 45 स्टेट्स के कस्टमर्स के टेक प्रॉब्लम्स हैंडल करते थे। डेव 45 इयर्स के हैं, उनका जॉब छोड़कर खुद का बिजनेस खोलने का कोई प्लान नहीं है, उन्हें अपना काम पसंद है। लेकिन कोई था जिसने उनकी लाइफ चेंज कर दी और वो और कोई नहीं सुमे वू हैं। डेव उससे अपने सैन जेन के ट्रिप के दौरान मिले थे और फिर दोनों में प्यार हो गया। अब वो दोनों 6 महीने से इस रिलेशनशिप को निभा रहे हैं। तो डेव आखिर सुमे के साथ कैसे रिलेशनशिप मेंटेन रखते हैं जबकि वो उनसे 5913 माइल्स दूर हैं। डेव अब पुराने वाले डेव नहीं थे जो अपने घर में स्पाइडर मैन वाली चड्डी पहन के प्ले स्टेशन पर गेम खेलते रहते थे। उन्हें तो अब एक परफेक्ट पार्टनर मिल गई थी जिसके साथ वो खुशी खुशी पूरी लाइफ बिताना चाहते थे। डेव अपनी टेक कॉल्स घर से ही रिसीव करते थे। बाद में उन्होंने अपना 1 वीक का एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने चाइना का 1 वे टिकट लिया और साथ में अपना रिलायबल टी मोबाइल जीएसएम ट्राई बैंड फोन लेके गए और फिर 12 टाइम जोन क्रॉस करने के बाद डेव ने जब सुमे को प्रपोज किया तो उसने भी एक्सेप्ट कर लिया। पूरी लाइफ टाइम के अपने सेकंड ट्रिप में डेव ने सुमे की फैमिली के साथ पूरे 30 दिन स्पेंड किए। वहां पालो आल्टो एचपी में से किसी को भी उनकी एब्सेंस का पता ही नहीं चला क्योंकि डेव यूजुअल तरीके से बिजनेस कर रहे थे। जाने से पहले डेव ने सारी कॉल्स अपने मोबाइल फोन पर फॉरवर्ड का ऑप्शन डाल दिया था। जब फाइनली डेव ने अपने सीनियर्स को बताया तो उन्होंने सिर्फ इतना बोला, हम फोन का एक्सपेंसेस पे नहीं करेंगे। ना तो डेव जॉब से निकाले गए ना ही उन पर कोई चिल्लाया। उन्होंने हर समर सीजन में 2 मंथ्स चाइना में रहने की फ्रीडम जो अर्न कर ली थी वो इसे यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में रेगुलर बिजनेस ट्रिप के बदले कंपनसेट कर सकते हैं। मैंने अपने लाइफ के 30 इयर्स में कभी ट्रैवल नहीं किया तो अब मैं ऐसा क्यों ना करूं, डेव कहते हैं। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको भी शायद 9 to 5 ऑफिस की आदत होगी, लेकिन क्या आपको वाकई लगता है कि मिलियनेयर होने के लिए लॉन्ग हार्स काम करना इतना जरूरी है? एक बार एक अमेरिकन टाइकून था जो एक बार मेक्सिको के एक छोटे से विलेज में वैकेशन पर गया क्योंकि उसे ऐसा उसके डॉक्टर ने उसकी हेल्थ ठीक करने के लिए बोला था। लेकिन अपनी वैकेशन के फर्स्ट डे में ही उसे बिजनेस टाइकून को अपने बिजनेस से रिलेटेड बैड न्यूज मिली तो वो कुछ फ्रेश एयर लेने के लिए एक डॉक पर चला गया। वहां उसने एक फिशरमैन को देखा जिसके पास एक छोटी सी बोट थी और उसने अभी अभी बड़ी येलो फिश पकड़ी थी। उस बिजनेस टाइकून ने उस फिशरमैन को इतने बढ़िया कैच के लिए कॉम्प्लीमेंट दिया। कितना टाइम लगा तुम्हें इन्हें पकड़ने में, बिजनेसमैन ने पूछा। बस थोड़ी देर, फिशरमैन ने कहा। तो इस पर बिजनेसमैन ने फिर पूछा, तुमने ज्यादा फिश पकड़ने के लिए कुछ देर और वेट क्यों नहीं किया? मेरी फैमिली और कुछ फ्रेंड्स के खाने लायक इतना काफी है, फिशरमैन ने कहा। तो फिर बाकी टाइम तुम क्या करते हो? फिशरमैन ने बताया कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखता है। दोपहर में वो अपनी वाइफ के साथ नींद लेता है, रात में वो विलेज में अपने फ्रेंड के से मिलने जाता है और वो सब मिलकर गिटार बजाते हुए वाइन पीते हैं। फिशरमैन की बात सुनकर बिजनेसमैन जोर से हंसा और उसने कहा, सर मैंने हार्वर्ड से MBA किया है और मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। उसने फिशरमैन को सजेशन दिया कि उसे फिश पकड़ने में और ज्यादा टाइम लगाना चाहिए ताकि वो एक बड़ी सी बोट ले सके और फिर ऐसे वो और बड़ी बोट ले सकता है और फिर एक दिन उसके पास खुद की एक फिशिंग लाइन होगी। जब वो ज्यादा फिश पकड़ने लगेगा तो उसे मिडिल मैन के साथ डील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कस्टमर्स को डायरेक्टली सेल करने से
उसे और ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जिससे वो खुद की कंपनी स्टार्ट कर सकेगा, क्योंकि फिशरमैन के पास सारा कंट्रोल होगा अपने प्रोडक्ट को प्रोसेस करने से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक। फिर बाद में वो चाहे तो अपना ये छोटा सा गांव छोड़कर मैक्सिको सिटी या लॉस एंजलिस या फिर न्यूयॉर्क में भी रह सकता है। मगर सर, इतना कुछ हासिल करने में कितना टाइम लग जाएगा, फिशरमैन ने पूछा। 15 या 20 साल, ज्यादा से ज्यादा 25 साल, बिजनेसमैन ने जवाब दिया। लेकिन तब क्या होगा सर? इस पर बिजनेसमैन फिर हंसा और बोला, यही तो बेस्ट पार्ट होगा। राइट टाइम आने पर तुम एक आईपीओ अनाउंस करोगे और अपनी कंपनी बेच दोगे, तुम्हें मिलियंस मिलेंगे। मिलियंस सर, लेकिन फिर क्या होगा, फिशरमैन ने कहा। तो बिजनेसमैन ने उसे बताया कि जब फिशरमैन के पास मिलियनेयर होंगे तो उसे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब वो काम से रिटायर होके किसी छोटे से गांव में रह सकता है, जहां वो देर तक सोया रहेगा और सुबह थोड़ी फिशिंग करेगा, अपने बच्चों का ख्याल रखेगा और दोपहर में वाइफ के साथ नींद लेगा और फिर शाम को अपने फ्रेंड के साथ गिटार बजाते हुए वाइन पिएगा। एलिमिनेट, ऑटोमेट एंड देन लिबरेट। एक फिशरमैन भी न्यू रिच बन सकता है। इस स्टोरी का फिशरमैन भी उतनी ही फिश पकड़ता है जिसमें उसकी फैमिली का गुजारा हो जाए, और ये काम भी वो बस कुछ घंटों के लिए ही करता है, तो बाकी टाइम वो क्या करता है? ये टाइम वो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ स्पेंड करता है। वो अपने होम टाउन की ब्यूटी एंजॉय करता है, अपने फ्रीडम ऑफ टाइम, इनकम और लोकेशन के साथ। क्या आपको नहीं लगता कि वो फिशरमैन किसी मिलियनेयर की लाइफ जी रहा है? अगर आप भी कोई एम्प्लॉय हैं, तो आप भी डेव कॉमरिलो की जैसे ऑफिस एस्केप कर सकते हैं। और अगर आप कोई एंटरप्रेन्योर हैं, तो आप कभी भी टिम फेरिस की तरह मिनी रिटायरमेंट ले सकते हैं, टास्क एलिमिनेट करने के लिए और अपनी इनकम ऑटोमेट करने के लिए। हम यहाँ कुछ और टिप्स शेयर कर रहे हैं। टेक द लो इन्फॉर्मेशन डाइट। ऐसी किसी भी इन्फॉर्मेशन पर जो आपके काम या बिजनेस से रिलेटेड ना हो, ज्यादा फोकस ना करें, जैसे कि आपके फ्रेंड्स की कोई लेटेस्ट गॉसिप या फिर सोशल मीडिया। आपको न्यूज देखने या पढ़ने से भी बचना चाहिए। आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? इनमें से ज्यादातर नेगेटिव होती है और आपके कंट्रोल के बाहर, तो फायदा क्या? आप बिना न्यूज देखे भी एक अच्छे सिटीजन हैं ही। ईमेल्स की वजह से आपका बहुत टाइम वेस्ट होता है, ऐसा ना होने दें। हर बार ईमेल रिसीव होने पर अपना इनबॉक्स खोलने की जरूरत नहीं है, दिन में एक बार ही अपने ईमेल्स चेक करने की आदत डालें। ऑटो रिप्लाई का ऑप्शन सेट करें, फॉरवर्ड मैसेजेस को अनसब्सक्राइब कर दें। रिफ्यूजिंग एक आर्ट है, यानी मना करना सीखें। स्मॉल टास्क या फालतू की चिट चैट से खुद को दूर रखें। फिर चाहे आप फोन पर बात कर रहे हों या फिर ईमेल भेज रहे हों या फिर किसी के साथ बात कर रहे हों, खुद के साथ साथ लोगों को भी पॉइंट टू पॉइंट बात करने के लिए एनकरेज करें, ताकि मुद्दे की बात की जा सके। मीटिंग्स अवॉइड करें, मीटिंग्स टाइम कंज्यूमिंग होती है और ज्यादातर लास्ट में प्रॉब्लम्स अनसोल्ड ही रह जाती है। ज्यादातर मामले में वीडियो कॉल्स या ईमेल से भी निपटाई जा सकते हैं। अगर आपको रिपोर्ट करना है तो खुद पहले करें और जब काम हो जाए तो बाहर आ जाएं। हर मीटिंग या कॉन्फ्रेंस का एक टाइम लिमिट डिफाइन करें। टास्क आउटसोर्स करें जो आप वर्चुअल असिस्टेंट को असाइन कर सकें। आप पर्सनल और बिजनेस रिलेटेड टास्क आउटसोर्स कर सकते हैं, जो वेबसाइट मेंटेन से लेकर अपने लव वंस के लिए गिफ्ट खरीदने तक कुछ भी हो सकता है। टास्क की लिस्ट एडलेंस होती है, बस ख्याल रहे कि इंस्ट्रक्शन क्लियर और प्रिसाइज हो। और अगर आप एम्प्लॉय हैं तो कंपनी की कोई इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज ना करें। डू नॉट माइक्रो मैनेज। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं
तो अपने लोगों को ही इंडिपेंडेंट होकर काम करना सिखाइए। उनके जजमेंट्स पर ट्रस्ट करें ताकि जब भी कोई प्रॉब्लम हो उन्हें आपको बार बार कॉल करने की जरूरत ना पड़े। कंट्रोल कस्टमर ऑप्शन, अपने प्रोडक्ट की ढेर सारी वैरायटीज मत रखिए। पेमेंट और शिपिंग ऑप्शंस लिमिट रखें ताकि आपको कम कंप्लेंट्स मिले, जिससे आपका स्ट्रेस भी कम होगा। अपने आइडल कस्टमर ढूंढने की कोशिश करें। क्या आपको फोर्ड मोटर्स के मॉडल टी के बारे में पता है? इसे ऑल टाइम बेस्ट सेलिंग कार माना जाता है। हेनरी फोर्ड ने कहा था, कस्टमर कैन हैव एनी कलर ही वॉन्ट्स सो लॉन्ग एज इट इज ब्लैक। कस्टमर सर्विस का मतलब पर्सनल बटलर होना नहीं होता है। इसका मतलब है अपने कस्टमर को अफोर्डेबल प्राइस में कम से कम टाइम में बेस्ट प्रोडक्ट देना। अब एक बार हम ये डिस्कस कर लें, हमने इस बुक से क्या सीखा। आपको हमने न्यू रिच और लाइफ स्टाइल डिजाइन के बारे में बताया। आपने 80-20 प्रिंसिपल और पार्किंसंस के लॉ के बारे में भी जाना। आपको हमने रिटायरमेंट और मोबाइल लाइफ स्टाइल के बारे में भी बताया। आपने कुछ टिप्स भी सीखे जिससे टास्क एलिमिनेट किए जाएं और इनकम ऑटोमेट हो सके। और अगर आप ये टिप्स अप्लाई करते हैं तो आपको ऑफिस में पूरा दिन बैठे रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 9-to-5 कल्चर से खुद को लिबरेट रख सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि काम के अलावा भी लाइफ में बहुत कुछ है करने को। जरा याद करो कि लास्ट टाइम कब आपने अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ बढ़िया सा टाइम स्पेंड किया था। लास्ट टाइम कब आप आउटडोर गए थे। लास्ट टाइम आपने कब ऐसा कुछ किया था जो आपके वर्क से रिलेटेड नहीं था। तो इसलिए टेक द डील, ज्वाइन न्यू रिच और मिलियनेयर की तरह जीने की आदत डालें। आज की ऑडियो बुक में इतना ही। थैंक यू।